हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि टीएल मींस टीम लीडर की कितनी सैलरी होती है। ओके, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना अगर आप एक बिगनर्स हो, ओके, और आप जॉब करना चाहते हो वो भी टीएल की, ओके, किसी भी कंपनी में फ्रेंड्स, तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी कितनी होगी, ओके, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सभी से पोलाइट ह्यूमन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ओके, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं भी जॉब को रिजाइन करके आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स के, तो प्लीज सपोर्ट चाहिए सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि टीएल का वर्क क्या होता है। हाईलाइट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि टीएल का वर्क क्या होता है। डेयर आफ्टर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई उसकी सैलरी कितनी होती है, ओके। तो फ्रेंड्स, जो टीएल का वर्क होता है, टीएल का जो मीन्स होता है, ओके, वो होता है टीम लीडर, ओके। टीम लीडर, टीम को लीड करने वाला पर्सन, उसे कहते हैं टीएल, ओके। तो फ्रेंड्स, इसका जो मींस होता है वो ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हो, वहाँ पे आपको कुछ कैंडिडेट दिए जाते हैं, ओके, उनसे आपको काम करवाना होता है, उनका टारगेट देखना होता है कि कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी टारगेट है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ओके, और किसको कब छुट्टी चाहिए, किसने कब प्रेजेंट की, ओके। तो ये जितनी भी क्यूरी होती है ये सब आपको ही देखनी होती है, किसका कब विकॉप रहेगा, ओके, तो ये सब कुछ आपको ही देखनी होती है, ओके। और कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि टीएल का वर्क ऑनलाइन होता है, मीन्स आपको किसी साइट पे, किसी फ्लो पे ऑनलाइन वर्क करना होता है, वहाँ पे बहुत से कैंडिडेट उसी पे वर्क करते हैं, ओके, तो आपको उस पर भी देखना होता है कि भाई किसने कितना काम किया, ओके, तो ये आपको उस पर भी देखना होता है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये टीएल का वर्क होता है, ओके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि भाई सैलरी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी उस पर भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ हैं जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जिनकी टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप उस कंपनी में वर्क करोगे तो आपकी सैलरी फ्रेंड्स ज़्यादा रहेगी, ओके, एज यू नो, ओके। अगर आप किसी मीडियम कंपनी में वर्क करते हो जिसकी टर्नओवर ज़्यादा हाई नहीं है, ओके, उसमें आप काम करते हो तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी फ्रेंड्स, ओके। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि भाई स्टार्टिंग कितनी से होती है। तो भाई 17,000 से टीएल की स्टार्टिंग हो जाती है, ओके। अगर आप बिगनर्स हो, आपने कहीं पर भी वर्क नहीं किया है, तो आप टीएल की इंटरव्यू पास करते हो तो आपकी जो सैलरी का बेस रहेगा वो 17,000 से स्टार्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स, ओके। और ये आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप भाई कितनी सैलरी की डिमांड करते हो, ओके, या फिर आप जिसके थ्रू कंपनी में जाते हो अपना इंटरव्यू देने, वो आपको पहले ही फ्रेंड्स बता देगा, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं सैलरी के लिए आपको यही कहता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस हो या फिर आप फ्रेशर हो, ओके, तो भाई आप खुद से पूछो कि अगर आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, आपको 17,000 रुपये मिल रहे हैं, आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या उसमें आप अपनी सेविंग कर पा रहे हो, ओके, अपना रूम रेंट देके कुछ पैसा बचा पा रहे हो फ्रेंड्स, ओके। अगर आप बचा पा रहे हो, ओके, आपको लगता है कि यह भाई कंफर्टेबल है, ओके, तो आप कर सकते हो, आपका फ्यूचर का भी उसमें स्कोप है तो आप कर सकते हो, देयर आफ्टर आप रिजाइन कर दो, ओके, कुछ और करो या फिर फ्रीडम के साथ घूमो मस्ती में, ओके, तो ये भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स, ओके। तो भाई सैलरी का यही है कि आप खुद से पूछो कि आपको जितना पैसा कंपनी दे रही है और जो भी काम आपको करना पड़ रहा है उसमें आप हैप्पी हो कि नहीं हो, ओके। अगर हैप्पी नहीं हो तो भाई रिजाइन करो और घूमो कहीं, ट्रैवलिंग करो, ओके। तो वीडियो इतना ही है फ्रेंड्स, ओके। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है, क्यूरी है तो कमेंट जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, ओके। आप सभी का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, ओके। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।